अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने अपराधियों पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने गैंगस्टर और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने जिला नगर योजनाकार की टीम के साथ मिलकर गैंगस्टर का साम्राज्य ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ गैंगस्टर लिपिन नेहरा के मकान की पहली मंजिल को ध्वस्त कर दिया। वहीं जिला नगर योजनाकार की टीम के साथ गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सरस्वती कुंज एरिया में अवैध रूप से बन रहे मकानों को ध्वस्त करने के साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई झुग्गियों को भी ध्वस्त कर दिया। डीटीपी मनीष यादव ने बताया कि पहली कार्रवाई सेक्टर 53 एरिया के सरस्वती कुंज एरिया में की गई। यहां बिना अनुमति 8 मकान बनाए जा रहे थे। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की टीम के साथ मिलकर यहाँ इन सभी 8 निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त कर दिया। एक तो कल हमने सरस्वती कुंज जो हमारी लाइसेंस कॉलोनी में उसमें जीएमडीए के साथ मिलकर ज्वाइंट डिमोलिशन की है, जिसमें हमने अवैध झुग्गियाँ जिसमें से कुछ जीएमडीए के क्षेत्र में बनी हुई थी, कुछ हमारी लाइसेंस लैंड पर, वो झुग्गियाँ हमने वहाँ पे डिमोलिश की हैं। कुछ हमने अनऑथराइज स्ट्रक्चर जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे उनमें डिमोलिशन कर दी है, क्योंकि जो सरस्वती कुंज है वो लाइसेंस कॉलोनी है, तो इसमें सरकार के निर्देश हैं कि बिना अप्रूवल कोई भी मकान या कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। इसलिए आप देखोगे तो लगातार पिछले एक साल में हमने यहाँ डिमोलिशन शेड्यूल रखे हैं, FIR भी भेजी है वहाँ की, और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा हमारा जीएमडी के साथ ज्वाइंट डिमोलिशन। ये जो झुग्गियाँ बनी हुई थी क्या किसी ने वैसे बना के किराए पे दे हुई थी या किस तरह का? ये बेसिकली सारी झुग्गियाँ इलीगल बनी हुई है, कुछ लाइसेंस लैंड के ऊपर थी, कुछ जीएमडीए की अपनी लैंड थी। टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर गैंगस्टर लिपिन नेहरा के पटौदी के गांव भूड़का स्थित घर की पहली मंजिल पर तोड़फोड़ कार्रवाई की। एसीपी ने बताया कि लिपिन लोरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखता है। लिपिन और परिवार के अन्य सदस्यों पर आपराधिक गतिविधियों को लेकर करीब 20 केस भी दर्ज हैं। जी, पटौदी के पटौदी कंट्रोल एरिया में हमने कल एक डिमोलिशन और भी की है, जो कि हमारा कंट्रोल एरिया डिक्लेयर होने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे अवैध उन्होंने कुछ मकान बना रखा था, पार्टली स्ट्रक्चर था वो अनऑथराइज था, तो उसको कल हमने पुलिस के साथ मिलकर डिमोलिश किया। वहीं जिला नगर योजनाकार व पुलिस ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माणों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे लोग हों या कोई अपराधी हो, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये लोग दोबारा अवैध निर्माण न करें। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।